सब्सक्राइबर्स अगर कुछ वीडियो बनाने को बोलते तो हमेशा मैं बनाते रहता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि भाई बजाज चेतक ले या ओला S1X ले या ओला S1 Air ले, और आपने पूछा है तो वीडियो बनाना मेरा कर्तव्य है। ये है सचिन सर, उन्होंने बोला है भाई प्लीज आंसर करना, आई एम कंफ्यूज इन ओला S1 Air एंड बजाज चेतक, मुझे फीचर्स एज सच कोई नीड नहीं है, फीचर्स की नीड नहीं है। तो ओला S1 Air आपने बोला, तो ओला S1 Air में फीचर्स है भाई, बट उसका एक क्लोज वर्जन है ओला S1 X 3 kWh, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया क्योंकि इसमें तो जीरो फीचर्स है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना, ये तगड़ा कंपैरिजन आपको जरूर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने में हेल्प करेगा। शुरुआत करते हैं भाई, हमारा कंपैरिजन बहुत ही डिटेल होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसमें हम मोटर, बैटरी, एयर है, सर्टिफाइड रेंज, देन यू कैन सी टॉप स्पीड, ग्रिडेबिलिटी, बूट स्पेस, ये सारी चीजें कंसिडर करते हैं, अलॉन्ग विद दैट चार्जिंग टाइम कितना लगेगा और एक्स शोरूम प्राइस कितना होगा वो भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा मैं आपको इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एग्जैक्ट कंपनी का कहना क्या है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आधा अधूरा छोड़ के मत जाना। तो पहले सचिन जी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आपका मैं अगर कमेंट उठा के वीडियो बना रहा हूं उसके ऊपर तो उसको शेयर करो, आप जहां पे भी वीडियो जितना शेयर करोगे भाई कृपा हो जाएगी, अपना सब्सक्राइबर्स बेस हमें बढ़ाना है। तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर आप देखो तो ओला के यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैंने कंसिडर की है, सर ने बोला है उनको फीचर्स नहीं चाहिए, तो ओला का ये एक वर्जन है ओला S1 X 3 kWh वाला जिसमें बिल्कुल भी फीचर्स नहीं है। वैसे देखा जाए ओला S1 Air में सिर्फ म्यूजिक नहीं है और हाइपर मोड नहीं है, बाकी ओला S1 Pro Gen 2 के सारे फीचर्स आपको ओला S1 Air में मिल जाते हैं, पर आपको एकदम विदाउट फीचर्स वाला चाहिए तो ओला S1 X 3 kWh है। बैटरी की बात करें तो तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का बैटरी पैक लगभग सेम है, ओला S1 Air का 3 kWh, S1 X का भी 3 kWh और बजाज चेतक का 2.9 kWh। यहां पे हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है भाई, ये किलोवाट आवर होता क्या है, एक यूनिट जो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, एक यूनिट दैट इज इक्वल टू 1 kWh। अभी किलोवाट आवर क्या है, ये एनर्जी है, मतलब 1000 वाट आवर, वाट पता है ना आपको, वाट ये पावर का यूनिट है, आवर ये टाइम का यूनिट है, तो 1000 वाट आवर जब आप कंज्यूम करते हो तो एक यूनिट कंज्यूम होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आपके घर में 50 वाट का फैन है, वो आपने 20 घंटे चलाया, 50 वाट का फैन 20 घंटे चलाया तो आपके घर में एक यूनिट कंज्यूम होगा, 50 × 20 करोगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 वाट आवर, दैट इज 1 kWh। कोई नहीं बताता भाई, एकदम सिंपल इजी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा देखना ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लगभग 3 यूनिट कंज्यूम करेगी जब आप इनको चार्ज करोगे, राइट, 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगी जब आप इनको चार्ज करोगे। अगर हम कंसिडर करें कि एक यूनिट की कॉस्ट, ये इरेज हो रहा है, वेरी गुड, अगर हम कंसिडर करें कि एक यूनिट की कॉस्ट सपोज 3 रुपया है, तो 7 रुपया लेना पड़ेगा एवरेज, 7 रुपया × 3 अगर हम करें तो लगभग तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर 21 रुपए में फुल चार्ज हो जाएगी, और 21 रुपए में आपको ओला S1 Air और ओला S1 X 3 kWh, ARAI सर्टिफाइड रेंज 151 किलोमीटर बोला है, बट इनका ट्रू रेंज लगभग 125 किलोमीटर बोला है, मतलब 21 रुपए में 125 किलोमीटर 30-35 के स्पीड से चलाओगे तो ये चली जाएगी। बजाज चेतक जो है ना, ये 108 किलोमीटर ARAI सर्टिफाइड रेंज है, इनका जो अर्बन 2024 वाला मॉडल है उसमें 5 किलोमीटर से रेंज बढ़ चुका है, तो ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगा 95 किलोमीटर से ये चली जाएगी, तो 21 रुपए में ये 95 किलोमीटर जाएगी या 125 किलोमीटर जाएगी, ये क्यों है वो भी बोल देता हूं। पहले तो यहाँ पे बैटरी थोड़ा सा छोटा है, 100 Wh का छोटा बैटरी है, मतलब कम है। सेकेंडली कर्ब वेट जो है ना बजाज चेतक का, ये 133 किलोग्राम है, बहुत हेवी व्हीकल है। ओला S1 Air जो है और S1 X जो है वो 108 किलोग्राम का है, तो वेट कम है तो बैटरी वो कम खींचेगा, मोटर जब गाड़ी चलाएगा आप चलाओगे तो बैटरी से वो कम करंट खींचेगा तो रेंज ज्यादा मिलेगी, तो यहाँ पे हेवी व्हीकल होने के वजह से बजाज चेतक को आपको थोड़ा रेंज कम मिल रहा है। आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, जैसे बजाज चेतक ना बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है, पूरा मेटल में आता है, ये अगला मड़गाड़ और कुछ बाकी चीजें छोड़ के ये पूरा मेटल में आता है, बिल्ड क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप बोलो, या आप कितने इजीली वो चलती है, कितने झटके कम लगते हैं, इन सारी चीजों में बजाज चेतक ना ओला के सामने बाप है,
डायरेक्ट बाप है, आप इसको चला के देखो, इतना आपको स्मूथ फीलिंग होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन वीडियो। कौन सी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर मुझे पैसा नहीं दे रहे वीडियो बनाने के लिए, मैं सिर्फ आपका डाउट क्लियर करने के लिए, अपने जो दोस्त है उन्होंने ये वीडियो करने को बोला है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बजाज चेतक बेस्ट है। ओके, ऑफ कोर्स यू हैव टू चूज इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय योर ओन। मैं कौन सी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप ले लो ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये मैं इरेज करता हूं एक बार, लेट मी इरेज दिस। ओके, तो यहां पे ये मेटल बॉडी में आ जाता है और ये दोनों है ना प्लास्टिक बॉडी में आ जाता है। और मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि ओला इलेक्ट्रिक के जो ओला S1 प्रो थी, जो पहले लॉट के थी जिसमें बैटरी हम पाता था फ्लैट फुटबोर्ड पे, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी। अभी ये सेकंड स्लॉट वाली जो ओला इलेक्ट्रिक है, ओला S1X हो गई, ओला S1X+ हो गई, ओला S1 Air हो गई, ओला S1 Pro Gen 2 हो गई, इनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो चुकी है। ओके, सर्विस के बारे में ऑलरेडी एथर ओला बहुत परेशानी फेस कर रहे हैं कस्टमर्स, आई होप वो इंप्रूव करेंगे सर्विस को। बट अगर आप मोटर की भी बात करो ना, फिर भी बजाज चेतक अच्छा है, क्योंकि मोटर इसमें जो है इधर पहिए में बैठता है, ये PMSM मोटर दिया है बजाज ने। PMSM पहिए में मतलब डायरेक्ट पहिए में नहीं है, जैसा ओला S1X में डायरेक्ट पहिए में है, ओला S1 Air में डायरेक्ट पहिए, पिछले पहिए में अपने मोटर डाल दिया है, जो जब ओबड़ खाबड़ रास्ता है या खड्डे है रास्ते में तो डायरेक्ट झटका मोटर को लगेगा, वो ओला इसमें नहीं होगा, किसमें, बजाज चेतक में, क्योंकि उसमें कुछ फिक्स मैकेनिज्म के थ्रू मोटर पहिए से कनेक्ट किया। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसमें PMSM मोटर है, इसमें BLDC हब मोटर है, BLDC हब मोटर। मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था PMSM कैसे बेटर है एज कम्पेयर टू BLDC। तो कुछ मतलब जो दिमाग वाले नहीं होते ना वो कमेंट कर रहे थे, भाई तू गलत बात कर रहा है, BLDC तो अच्छी होती है PMSM से। अरे भाई सुधरो आप। आप अगर फैन की बात कर रहे हो तो फैन में BLDC अच्छी होती है, ऑफ कोर्स अच्छी होती है, उसमें पावर कंजम्पशन कम होता है, बट फैन का एप्लीकेशन अलग है। गाड़ी जब रास्ते पे चलती है तो BLDC मोटर इज नॉट बेटर एज कम्पेयर टू PMSM। एप्लीकेशन देखो आप, रस्ते पे गाड़ी चलाना और फैन पे क्या लोड होता है, क्या इस गाड़ी के मोटर पे लोड आता है, वेट कम ज्यादा होता है, स्पीड कम ज्यादा होता है, फास्ट गाड़ी चलाते हो, खड्डे में से जाते हो, ड्यूरेबिलिटी देखो, पावर डेंसिटी देखो, एनर्जी डेंसिटी देखो, ये सारा एक्सप्लेन किया मैंने उस वीडियो में। मैं ये नहीं बोलता कि BLDC खराब है एज कम्पेयर टू PMSM, वो बेटर नहीं है, PMSM इज बेटर कंसिडरिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल एप्लीकेशन, नॉट द फैन एप्लीकेशन। सीलिंग फैन की बात नहीं कर रहा भाई मैं, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी तो वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहां पे आप देखो टॉप स्पीड, ऑफकोर्स ओला S1X एंड ओला S1 Air दोनों का टॉप स्पीड सेम है, बजाज चेतक का थोड़ा कम है, क्योंकि भाई मोटर भी छोटी है, 4.08 kWh की पिक पावर है, यहाँ पे 6 kWh पिक पावर है। ग्रेडेबिलिटी यहाँ पे बजाज पीछे डाल देता है, भाई AC मोटर है तो ग्रेडेबिलिटी ज्यादा मिलेगी ही। इसमें 18 डिग्री का एलिवेशन ये चढ़ पाएगी, 18 डिग्री का एलिवेशन ये चढ़ पाएगी, 3 डिग्री ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओला S1 Air एंड ओला S1X। बूट स्पेस यहाँ पे भाई ओला जबरदस्त है, 34 लीटर का बूट स्पेस है। डिजाइन उन्होंने ऐसा किया कि बूट स्पेस ज्यादा मिल जाता है, बट मुझे कभी पसंद नहीं आया, ओला लुक में ही पसंद नहीं आया, पर्सनल चॉइस है, आपको शायद पसंद आ सकता है। वेरस बजाज चेतक का लुक भी मुझे ऑथेंटिक लगा, पुराना लुक है थोड़ा सा, आपको लग सकता है कि मैं एक यूथ हूं, मैं एक 20-21 साल का बच्चा हूं, तो बजाज चेतक मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो दैट इज योर चॉइस, आप मत लेना, आपका पर्सनल ओपिनियन है, मैं तो सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूं। चार्जिंग टाइम में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख जाएगा, जो यहां पे इरेज कर लेता हूं पहले। ओके, जो ओला S1 Air है ना वो 5 घंटे में चार्ज हो जाती है, क्योंकि इसमें 750 वाट का चार्जर मिल जाता है। ओला S1X+ सिर्फ 500 वाट का चार्जर मिलता है, इसलिए 7.5 घंटे लगभग ले लेती है चार्जिंग को, लगभग 7.5 घंटे चार्जिंग को ले लेगी, सेम बैटरी देखो, बट इसमें 750 वाट का चार्जर है, इसमें 500 वाट का चार्जर है, तो चार्जर की पावर कम हो गई ना, तो चार्जिंग टाइम ज्यादा लगेगा। सो ओला S1 Air जल्दी चार्ज होगा एज कम्पेयर टू ओला S1X, एंड लगभग बजाज चेतक को सेम, क्योंकि इसमें भी लगभग वही 750 वाट का ही चार्जर है, ऑलमोस्ट सेम चार्जिंग टाइम लगेगा। एंड कंसिडरिंग द प्राइस, तो एकदम करीब 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 प्राइस है इनके। अगर आप सबसे कम प्राइस देखो तो ओला S1X है 1 लाख उसकी एक शोरूम प्राइस है भाई। इसमें फिजिकल की मिलता है आपको ओला S1X में, ओला S1 Air में आपको डिजिटल की मिलता है। ओके, तो इसमें एक्चुअल फिजिकल की मिलता है, इसमें भी प्रॉक्सिमिटी है की साथ में रखना पड़ता है, और बटन स्टार्ट दिया है बजाज चेतक को। म्यूजिक चाहिए तो ओला दोनों में नहीं मिलता आपको, म्यूजिक दोनों में नहीं मिलता, बट आपको ओला S1 Air में OTA अपडेट्स मिलेंगे, MoveOS 4 अपडेट्स मिलेंगे, साइड स्टैंड अलर्ट, बाकी सारी चीजें आपको ओला S1 Air में मिल जाएगी। इसमें आपको कुछ भी फीचर्स नहीं मिलेंगे, मैं वो भी दिखा देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और बजाज चेतक में अभी जो नया आ रहा है अर्बन मॉडल, उसमें साइड स्टैंड सेंसर है, रिवर्स मोड है, इसमें भी है, अभी भी है रिवर्स मोड, हिल क्लाइंबिंग है, ऑटो हिल होल्ड है,
रीजनरेटिव ब्रेकिंग उन्होंने इंप्रूव किया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे कम प्राइस ओला S1 X की है भाई। आपने आपने क्या पूछा था वो भी दिखा देता हूं। आपने सिर्फ बोला था कि ओला S1 एयर लू या बजाज चेतक लू, बट ये आगे जो आपने लिखा था कि मुझे कुछ फीचर्स की कोई नीड नहीं है, तो फीचर्स की अगर नीड नहीं है तो ओला S1 एयर से अच्छा ओला S1 X है आपके लिए। 10,000 रुपए तो बच जाएंगे शायद, उस 10,000 रुपए का आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, आई थिंक 7,000 या 7,500 का एक्सटेंडेड वारंटी कुछ है, वो ले सकते हो आप, दैट इज योर चॉइस। अगेन अभी हर पॉइंट में कौन से पॉइंट में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा है वो बता देता हूं। बैटरी दोनों तीनों की लगभग सेम है, मोटर अच्छी है पावर रेटिंग वाइज, बट इसकी PMSM मोटर बढ़िया है बजाज की, ओके तो मैं इसको ज्यादा मार्क्स दूंगा। रेंज ऑफकोर्स इन दोनों की ज्यादा है, टॉप स्पीड इन दोनों का ज्यादा है, ग्रिडेबिलिटी बजाज चेतक, बूट स्पेस इन दोनों का ज्यादा है, चार्जिंग टाइम बजाज चेतक एंड ओला S1 एयर का सेम है, एंड प्राइस अगर आप देखो तो सबसे कम प्राइस वैसे ओला S1 एक्स की है। तो ऑलमोस्ट अभी प्राइसिंग में तो 5,000-5,000 का डिफरेंस है, 5,000-10,000 का। तो आप क्या करो, टेस्ट राइड लो ओला S1 एयर, ओला S1 एक्स और बजाज चेतक की, और मैं गारंटी देता हूं आप जब चलाओगे ना बजाज लेके घर चले जाओगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे बहुत जल्दी। अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ही डिटेल वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहता हूं। तो आपका प्यार आपका सपोर्ट मेरे लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बजाज चेतक दिखा देता हूं भाई। बजाज चेतक का 2024 का मॉडल आ रहा है, 1,15,000 एक शोरूम प्राइस है, जिसमें टॉप स्पीड थोड़ा बढ़ गया है, 73 kmph टॉप स्पीड कर दिया इन्होंने, रेंज भी 113 हो चुकी है। अगर हम एक्सप्लोर करें, दिखा देता हूं आपको पहले, तो यहां पे फुल्ली लाइफ प्रूफ इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है, जिसमें आपको रेंज अच्छा मिलेगा, 113 बोले है। देन यू कैन गेट नाउ जो कलर्ड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा, पुराना जो बजाज है उसमें कलर्ड नहीं है। देन यू विल गेट गुड 4 colors, देन यू विल गेट हाउ मच CO2 रिडक्शन यू हैव डन, कितना फ्यूल आपने सेव किया, कितना पैसा बचाया, अगर आप पेट्रोल लेते तो कितना खर्चा आपका फ्यूल पे होता वो सब होगा। देन ऑफकोर्स इट इज अ वाटर प्रूफ IP67 रेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। देन यू कैन सी इसमें दो चीजें ये ला रहे हैं अभी, टेक पैक एंड स्टैंडर्ड पैक, दोनों में आपको मोटर सेम मिलेगा, बैटरी सेम मिलेगा। टेक पैक में क्या आएगा आपको, टेक पैक में रिवर्स मोड, फुल ऐप कनेक्टिविटी मिलेगा, इको एंड स्पोर्ट्स मोड मिलेगा, हिल होल्ड मिलेगा एंड 73 mph का टॉप स्पीड मिलेगा। स्टैंडर्ड में आपको 63 का टॉप स्पीड मिलेगा, सिर्फ इको मोड मिलेगा, स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलेगा एंड लिमिटेड ऐप कनेक्टिविटी मिलेगी। बाकी 113 का रेंज वैसा ही रहेगा, 4 घंटे 50 मिनट में चार्ज हो जाएगी, कलर LCD स्टैंडर्ड में मिल जाएगा। टेक पैक में भी वो सेम है, सिर्फ टेक पैक में क्या हो रहा है, टॉप स्पीड बढ़ रहा है, आपका स्पोर्ट्स मोड बढ़ रहा है और लिमिटेड ऐप कनेक्टिविटी आ रही है स्टैंडर्ड में, यहाँ पे फुल है, और हिल होल्ड और रिवर्स मोड आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। तो इसके प्राइस में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। कलर्स आप देख लो, अच्छे अच्छे कलर्स है, एकदम स्मूथ सिंपल वेबसाइट बनाया, कुछ हेवी वेबसाइट नहीं है। हिल होल्ड तो बेस्ट है इनका, रिवर्स मोड भी है, जियो लोकेशन कर सकते हो, ऑफ बोर्ड चार्जर है इसमें, की फॉब बहुत ही सिंपल है। एंड नाउ आई वॉन्ट टू एक्चुअली सी द कंपेरिजन। सो यहाँ पे आप देखो, अगर आप कंपेरिजन देखो तो अभी दो मॉडल्स है, प्रीमियम एंड अर्बन। तो प्रीमियम में 108 है, अर्बन में 113, 63 का टॉप स्पीड ये अभी चल रहा है, हाँ ये 2024 जब आएगा तो ये 73 का हो जाएगा टॉप स्पीड। अरे भाई ये क्यों आ गया, प्राइस देखो, ओके तो ये विद टेक पैक है, दिस इज विद टेक पैक, दिस इज स्टैंडर्ड। टेक पैक विदाउट टेक पैक सेम है, 2024 के मॉडल की बात कर रहा हूँ। टॉप स्पीड सेम है, टॉप स्पीड में डिफरेंस है, टेक पैक में ज़्यादा टॉप स्पीड मिलेगा, रेंज सेम है दोनों में, चार्जर सेम है, स्टील बॉडी है, चार्जिंग टाइम सेम है। मोड विदाउट टेक पैक में सिर्फ इको मिलेगा, विद टेक पैक इको प्लस स्पोर्ट मिलेगा, हिल होल्ड और रिवर्स मोड भी मिलेगा, ऐप कनेक्टिविटी फुल मिल जाएगी। प्राइस में 8,000 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है ना भाई, 8,000 रुपये पे करके आपको रिवर्स मोड भी मिल रहा है, फुल ऐप कनेक्टिविटी मिल रही है, क्या चाहिए। अभी जाते हैं ओला S1 एक्स के बारे में बात करते हैं और ओला S1 एयर के बारे में। सो लेट्स सी मोर अबाउट ओला S1 एयर। अभी तो इनके डिसंबर टू रिमेंबर में ओला S1 एक्स प्लस पे ऑफर चालू है, बट हमें जो पूछा गया है हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। लोड हो जा भाई,
वेबसाइट इनका शायद है ना जाम हो चुका है, लेट मी ओपन अनदर वेबसाइट। ओला S1X ओके, तो ये ओला S1X है। यस, तो इसमें ओला S1X देख लेते हैं पहले। अभी आई होप ये खुलेगा क्योंकि इनका पिछला वेबसाइट नहीं चल रहा था। ये वेबसाइट क्यों दिखाता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं भाई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन देके करना क्या है। तो ये ओला S1X है, इसमें 3 kWh का मैंने सिलेक्ट किया है। एज यू कैन सी सिर्फ 1,00,000 रुपये इसकी प्राइस दिखा रहा है। ओके, यू कैन सी दिस, 1,00,000 रुपये प्राइस दिखा रहा है। यहाँ पे इसको कलर स्कीम्स आपको अच्छी अच्छी मिल जाती है, जैसे आपको चाहिए तो आप कलर चेंज कर सकते हो। मिडनाइट है, इसके अलग अलग एंगल से फोटोज देख सकते हो। सेल्स एंड मार्केटिंग आप ओला से सीखो भाई, डिलीवर करने के बाद शायद आपको सर्विस ना मिले बट दिखाएंगे बहुत कुछ। ओके, तो इसका क्या करते हैं, हम कंपैरिजन शीट देखते हैं। चलो तो यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ओला S1X 3 kWh। ओके, तो ओला S1X 3 kWh वर्सेस ओला S1 Air, आप देखो टॉप स्पीड दोनों का सेम है। ARAI सर्टिफाइड रेंज, एक्सेलरेशन इसमें देखो 0.2 सेकंड्स का, 0 टू 60 में अगर आप कर रहे हो तो 0.2 सेकंड्स का डिफरेंस है। चार्जिंग टाइम देखो, यहाँ पे 7.5.5 घंटे ले रहा है ओला S1X, ओला S1 Air 5 घंटे ले रहा है क्योंकि यहाँ पे 500 वाट का चार्जर है, छोटा है, यहाँ पे 750 वाट का। पावर देखो मोटर की सेम है, बूट स्पेस सेम है, इको मोड में रेंज सेम है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में डिफरेंस है, वो बोलना भूल गया। यहाँ पे 7 इंच का टच स्क्रीन है, यहाँ पे सेगमेंटेड LCD डिस्प्ले है। फिजिकल की मिलेगा ओला S1X में, एयर में नहीं मिलेगा। तो आपको अगर फीचर नहीं चाहिए ना तो ओला S1X आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, मैं कहना चाहता हूँ। 3.3 सेकेंड्स, ओके, ग्रिडेबिलिटी सेम है, बैटरी कैपेसिटी सेम है, चार्जर देखिए मैं बोला 500 वाट 750 वाट। डायमेंशंस देखिए एकदम सेम है, कर्व वेट भी सेम है क्योंकि मोटर बैटरी सेम है, वेट मेन जिसका होता है मोटर बैटरी का होता है तो वो सेम है। डायमेंशंस एग्जैक्ट सेम है, सीट हाइट सेम है। इसमें ट्यूबुलर एंड शीट मेटल की AC मिल जाएगी आपको, इसमें फ्रेम मिल जाएगी ओला S1X में। ओला S1 Air में ट्यूबुलर मिलेगी, ट्विन टेलीस्कोपिक ड्यूअल शॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे, ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, 90/90/12 के टायर्स मिलेंगे। अभी आप फीचर्स देखो, साइड स्टैंड अलर्ट दोनों में मिलेगा, रिवर्स मोड दोनों में मिलेगा, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड दोनों में मिलेगा, हाइपर मोड दोनों में नहीं मिलेगा। OTA अपडेट्स एयर में मिलेंगे, S1X में नहीं मिलेंगे। म्यूजिक एयर में मिलेगा, रिमोट बूट एयर में मिलेगा, ब्लूटूथ एयर में मिलेगा, नेविगेशन एयर में मिलेगा, मेंटेनेंस एयर में मिलेगा, क्रूज कंट्रोल भी एयर में मिलेगा। तो विदाउट फीचर लेना है तो आप ओला S1X 3 kWh ले सकते हो ओला S1 Air के जगह पे। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। अपने जो दोस्त है जिन्होंने ये वीडियो बनाने को बोला था, फिर से उनका नाम ले लेता हूँ, सचिन वाघेला सर, आपने जो सवाल पूछा उसके ऊपर वीडियो बना दिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू एंड। ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना। मिलेंगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बालाजी।